व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, ये वाला जो गेम प्ले है, हमेशा की तरह की चीज बोलूंगा, बहुत तगड़ा होने वाला है। क्योंकि भाई इस वाले मैच के अंदर एक फाइट तो ऐसी मिलेगी, मतलब कि एक प्लेयर के लिए चार स्क्वाड आ जाएगी। अब चार स्क्वाड नहीं थी, एक्चुअली तीन स्क्वाड थी, बट चौथा मेरे को समझ लो। तो वहां पर भाई बहुत तगड़ी फाइट हो गई थी, मतलब कि M4 भरी थी सबके। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ मिलिट्री बेस पर, और एक तो ना आजकल पता नहीं क्यों हुड ड्रॉप है, बंदे कमा रहे हैं। बट इस बार दो स्क्वाड फिर भी आ जाती है, जो कि एकदम राइट वाली बिल्डिंग में सारे के सारे बंदे उतर जाएंगे। अब भाई मेरे को मिलती है सिर्फ और सिर्फ S686। अब बेचारे एक ही बिल्डिंग में इतने सारे लोग उतरेंगे तो भैया गन कहीं मिलेगी ही नहीं इनको। तो अब देखना है ना कैसे फोड़ेंगे इससे। इस पूरी लॉबी में सबसे खराब किस्मत इसी बंदे की होगी, मतलब कि बेचारा गन पर पहुंच ही गया था, लेकिन मैंने उसको उससे पहले ही नॉक कर दिया। अब यहां पर इसके और टीममेट आ जाएंगे। तो भाई कोरोना वायरस तो सुना था, लेकिन इस बंदे का नाम था एंकर वायरस, पता नहीं कौन सी किस्म का अभी है। अब यहां पर इनको लूट रहा था, तभी एक बंदा और आ जाएगा। खैर यहां पर पूरे के पूरे मिलिट्री बेस में ना बंदे सिर्फ इसी वाली बिल्डिंग में उतरे थे, तो यहां पर मैंने इन सबको निपटा दिया। तभी बाहर से एक बंदा और आ जाएगा, उसके पड़ जाएगी गदर वाली VSS। तो बाहर आकर मैं इस बंदे को फिनिश कर देता हूं, और भाई मतलब कि इसके पास भी कुछ ज्यादा लूट मिलती नहीं, और आप मानोगे नहीं मैंने कुछ भी नहीं लूटा। मतलब M4 की जरा सी एमओ थी और AK की भी जरा सी एमओ थी, इसको लेकर मैं निकल गया रश करने, और बैंडेज भी थी नहीं थी। अब यहां पर भाई पूरे रोड पर एक भी गाड़ी नहीं खड़ी होती, लेकिन जैसे मैं पहुंचता हूं हिल पर, क्योंकि वहां पर हमेशा एक गाड़ी रहती है, तभी एक बंदा गाड़ी लेकर निकल ही रहा होता है, और मैं बोट फायर करके उसे बुला लेता हूं। भाई साहब मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये बंदा लूटने के लिए इस घर पे उतरा था, या फिर ये शायद ना मिलिट्री बेस से भागा होगा और यहाँ पर आकर लूट रहा था। अब यहाँ पर से सिर्फ इस जगह से पिस्टल मिली थी, और ये कुछ भी नहीं कर पाया, तो इसकी रेल बना दी। अब यहाँ पर सीधा गाड़ी लेकर आ गया मैं पोचिंग की पर, क्योंकि यार पोचिंग की बंदे होते ही, और जैसे यहाँ पर पहुँचा ना भाई सामने ही बंदे दिख गए। तो भाई साहब ये बंदा ज्यादा दिमाग लगा रहा था, मतलब कि रोटेशन दे रहा है भाई साहब, पूरा रोटेट कर आ रहा था मुझे पीछे से मारने, लेकिन उससे पहले मैंने इसे फोड़ दिया। अब जैसे इसके आगे वाले घर में जाऊंगा ना, अब इसके टीममेट के देखना कितना तगड़ा फ्री फायर पड़ेगा। तो भाई काश यार मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख पाता कि डेथ जो है किस तरीके से हुई होगी इसकी। अब फिलहाल यहाँ पर इस बंदे को तो मैंने मार दिया, और काफ़ी सही किल भी निकल गए थे। अब सीधा बग्गी भगाकर ले जाऊंगा रोजोक पर, क्योंकि यार रोजोक बंदे हमेशा ही होते हैं, और इस बार भी तो देखना इनको कैसे मारेंगे। अब भाई ये बंदा भगते भगते मेरे पे रश करने आ रहा था, क्योंकि जब मैंने गैस कैन फोड़ा था तो मैंने AK फायर कर दी, और ये वही सुनकर आ रहा था, तो यहाँ पर इसे तो लपेट दिया। अब मुझे लग ही नहीं रहा था कि इसके टीममेट यहाँ पर होंगे, वरना अभी तक आ जाता, लेकिन इसका टीममेट था जो कि कैम्प कर रहा था। अब यहाँ पर थोड़ी देर तक मैंने दोनों को नॉकडाउन छोड़ रखा था कि क्या पता इनके टीममेट इन्हें रिवाइव देने आए, लेकिन कोई आता नहीं है, तो मैं एक को फिनिश करके निकल लेता हूँ सामने ड्रॉप पर। और भाई एक बंदा आता है यहाँ पर, जल्दी से ड्रॉप लूट के बग्गी लेकर भाग जाता है। अब इसका पीछा करेंगे पूरा, जहाँ तक जाएगा वहीं तक चल के इसे कूटेंगे।
बेचारे की बग्गी इस वाली हिल पर जाकर थोड़ी सी स्लो हो जाती है और मैं यही चीज़ का फायदा देख के इसे नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पर सामने एक फ्लेयर चलते हैं तो पहले इसे फिनिश करके लूटेंगे फिर चलेंगे फ्लेयर पे। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इस बंदे ने ड्रॉप से लूटा क्या था, मतलब कि ड्रॉप का तो एक भी वेपन था ही नहीं इसके पास, और जो फ्लेयर थी वो भी मेरे को सामने उतरती हुई दिख गई थी। अब यहां पर देखना भाई साहब कितनी तगड़ी फाइट होगी, दो स्क्वाड ऑलरेडी लड़ रही है, अभी एक स्क्वाड और आ जाएगी। तो भाई यहाँ पर तो फिलहाल इन्हें ना बहुत ही इजीली मारते, क्योंकि मैंने जिस जगह पर बग्गी रोकी थी ना इनको पता भी नहीं था कि वहाँ पर भी कोई है, और मैंने पीछे से पूरा का पूरा फायदा उठा लिया। अब यहाँ पर ड्रॉप में से हम लोग को मिल गई ग्रोजा और एमके, बट मैंने एमके नहीं ली, और तभी सामने एक बोट भी दिख गया। अब यहाँ पर इन सबको मारने के बाद भाई साहब एक फ्लेयर और चल जाते हैं, लेकिन वो फ्लेयर ना बहुत दूर होती है, मतलब कि समझ लो फार्म पर होती है। अब सीधा मैं देखता नहीं हूँ भैया कहाँ पर है कितनी दूर है, सीधा गाड़ी भगाते भगाते वहीं पर पहुँच जाता हूँ। अब बंदे पता राइट में स्नाइपर टावर पर बैठे होते हैं, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, लेकिन फ्लेयर ना सामने होती है, तो पहले मैं सोचता हूँ सामने जाऊँ, लेकिन तभी मेरे को पीछे से गाड़ी का साउंड आ जाता है, तो मुझे पता लग जाता है बंदे पीछे ही हैं, और अब देखना इनको कितना गजर वाला मारेंगे ग्रोजा से। तो भाई कितना ज़्यादा एडवांटेज हो गया यहाँ पर ड्रॉप शॉट का, मतलब कि सामने वाला बंदा एक गोली भी नहीं मार पाया, तो मतलब कि यार ड्रॉप शॉट मुझे पता था, अगर मैं इस जगह पर ड्रॉप शॉट नहीं मारता तो मैं कंफर्म मर जाता, क्योंकि पहले वाले बंदे ने मेरी हेल्थ काफ़ी लो कर दी थी, उस पर भी क्योंकि ग्रोजा थी। अब यहाँ पर इसको मारने के बाद बचे सिर्फ और सिर्फ नौ ही बंदे अलाइव। अब यहाँ पर काफ़ी ढूंढा, लेकिन तभी सामने कार 98 चल रही थी, दो बंदे एक दूसरे के मार रहे थे, देखना इनको कैसे फोड़ेंगे। और भाई यहाँ पर ना मेरे को एक चीज़ ही नहीं समझ आई कि ये दोनों एक दूसरे से भिड़ कैसे रहे थे, मतलब कि दोनों एकदम पास पास खड़े हैं, दोनों पे ऑटो गन भी है, लेकिन एक दूसरे कार 98 मार रहे हैं और कोई मर भी नहीं रहा। तो यहाँ पर मैंने आके दोनों के ओम के चाटे मारे और साइड कर दिया। अब उसके बाद बग्गी भगाता भगाता जैसे ही पहुँचा पोचिंग की पर, मतलब कि यहाँ से मैं निकल ही रहा था, लेकिन तभी पीछे से गाड़ी का साउंड आ गया, और भाई साहब मतलब कि ये गाड़ी वाले जो बंदे आए थे ना भाई, इन्होंने लगभग मेरे को मार ही दिया था। तो यार मुझे लग रहा था जो घिल्ली वाला बंदा है ना, इसके मोली का डैमेज हुआ होगा, ये हील करेगा, लेकिन इसने मेरे M4 भर दी गलत। अब सामने जो बंदा दिखेगा देखना कैसे रैप्टा मारेंगे ओम का।
ये बंदा कसम से कांप गया होगा, मतलब कि इसे विश्वास ही नहीं हो रहा होगा इस टाइम अपनी आंखों पे कि भैया ये क्या हो गया। बंदा मेरे को सामने दिख रहा था लेकिन मैं एक गोली नहीं चला पाया भाई। जैसे ही मैंने मुंह बाहर करा और स्कोप खोल कर सीधा भर दिया इसके, अब यहाँ पर बचे थे सिर्फ और सिर्फ दो ही बंदे, तो मुझे लग रहा था एक ही टीम के होंगे, लेकिन अपनी किस्मत आज कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी। मतलब कि बंदे अलग अलग टीम के थे और सबसे अच्छी बात कि सांप तो थे ही नहीं। अब यहाँ पर जैसे मैं इधर पहुँचा मेरे को पीछे की तरफ एक गाड़ी खड़ी हुई दिख गई, मुझे पता लग गया बंदा कन्फर्म यहीं है और बंदा सामने ही था। इसके साथ भी सेम टू सेम वही वाला गलत सीन, मतलब कि भैया झांकते ही पड़ रहा है भाई आज तो बंदों के, जैसे दिखा रहे शक्ल वैसे ही पड़ जा रहा है। अब यहां पर इसके अलावा बचा था एक ही बंदा, अब भाई उसकी भी ऐसी कुटाई होगी देखते जाओ। तो भाई लास्ट का जोन होता है, मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते ले आता हूँ सीधा ड्रॉप पर और बंदा नीचे खड़े होकर लूट रहा होता तो भर देते हैं उसके भी चाटा। तो गाइस अगर आपको ये वाला गेम प्ले अच्छा लगा हो तो फटाफट इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना, और भाई इस वाले मैच के अंदर ना बहुत ही गलत चाटे पड़े बंदों के AWM के, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चैनल पर न्यू तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और हाँ यार जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जल्दी अगर फॉलो कर लो। तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, गुड बाय। We'll be right back.